गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द टीसिंग फैमिली ऑनलाइन क्लासेस क्लास सेकेंड। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण, जो कि हमारी पंखुड़ी पाठ्य पुस्तक है, में निबंध का अध्ययन करेंगे। चैप्टर 16 में से निबंध लेखन का अध्ययन करेंगे। इसका अभ्यास नंबर 2 है। लेकिन पहले आपको हम यह बता देते हैं कि निबंध लेखन होता क्या है। निबंध लेखन, जैसे कि मैंने आपको बताया है, कि अपने किसी भी विषय में अपने विचारों को सरलता और प्रभावशाली रूप से प्रकट करना, करने की जो रचना है, करने का जो ढंग है, उसी को हम क्या कहते हैं, निबंध कहते हैं। निबंध की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, वाक्य छोटे छोटे तथा अर्थपूर्ण होने चाहिए, विचारों को बार बार दोहराया ना जाए, विषय का वर्णन स्पष्ट रूप से होना चाहिए, यानी कि जिस बारे में आप निबंध कर रहे हैं, निबंध बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, तो उसका जो वर्णन है वो अच्छे से होना चाहिए, पूरी तरह से होना चाहिए कि दूसरे की समझ में आ जाए। वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए और व्याकरण संबंधी जो चिन्ह है, जैसे हमको खड़ी पाई लगानी है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है या फिर कहीं कॉमास लगाने हैं, इन चीज़ों का ध्यान हमको रखना है। तो आज हम जो निबंध करेंगे वो है अभ्यास नंबर 2 में मेरा देश विषय पर 5 वाक्य लिखिए। तो ये 5 वाक्य हम किस तरह से लिखते हैं, सो आप ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे और पढ़ेंगे, प्लस अपनी नोटबुक में इसको नोट करेंगे, उसमें लिखेंगे। तो देखिए, जैसे कि सभी को मालूम है कि हम कहाँ रह रहे हैं, हम भारतवर्ष में रह रहे हैं, है ना। यानी कि मेरे देश का नाम भारत है। भारत को हिंदुस्तान नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो हमारा भारत देश है, हम इसे और क्या कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं। अब हमारा देश तो क्या है, यहाँ अनेक जातियों के लोग रहते हैं और अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हर तरह के लोग रहते हैं यहाँ, पहाड़ी लोग रहते हैं, है ना, और जम्मू के लोगों की लैंग्वेज अलग है, पहाड़ी लोगों की लैंग्वेज अलग है, जो राजस्थान में रहते हैं राजस्थानी की लैंग्वेज अलग है, मारवाड़ियों की जो भाषा है, बोलने का ढंग है, वो अलग ही होता है। तो यानी कि अलग अलग से भाषाओं को इस्तेमाल करते हुए भी सब इकट्ठा रह रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं है, हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठा रहते हैं। भारत देश दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। जो हमारा देश भारत है, यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। हमारे देश को पुराने समय में क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया। इतना धन धान्य हमारे देश में था, हमारा देश इतना अच्छा था। अब तो जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई है ना, लोगों की ज़रूरतें बढ़ती गई, वो बात अलग हो जाती है, लेकिन पुराने समय में जो हमारा भारत देश था, यह बहुत अमीर था और इसे क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया। क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अन्न धन के बहुत भंडार थे। हमारा देश भारत कैसा देश है, कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में कृषि बहुत ज़्यादा की जाती है और हमारे देश में चारों ओर हरियाली का वातावरण दिखाई देता है। चारों तरफ जिस तरफ देखो पर्वतमालाएं हैं, बड़े बड़े खेत हैं, दूर दूर तक हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है। हमारी प्रकृति बहुत ही आकर्षण करती है, यानी कि जो हमारे देश की जो प्राकृतिक छटा है वह बहुत आकर्षित करती है। आपने देखा होगा हमारे देश में कितने सैलानी आते हैं घूमने के लिए। यहाँ पर 7 आश्चर्य भी हैं, है ना, जैसे जिनमें ताजमहल है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ताजमहल कहाँ है, आगरा में है ना, लोग देखने आते हैं। हमारे यहाँ अजमेर में पुष्कर जी है, वहाँ पर सारे देश में एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का, जो पुष्कर में आकर लोग उसको देखते हैं, है ना, वहाँ के दर्शन करते हैं। तो यानी कि बाहर से हर जगह कोई ना कोई ऐसी चीज़ है
जहाँ लोग आते हैं भ्रमण करने आते हैं, है ना। तो हमारा जो देश है, एक तो क्या जो मेहमान आते हैं, जो बाहर से लोग आते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा आवभगत करता है। कैसे? भगवान की तरह से उनको माना जाता है। अतिथि देवो भव कहा गया है, यानी कि अतिथि जो है वो देवता के समान है, है ना। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है, वो क्या है? तिरंगा। अब तिरंगा कैसे? क्योंकि इसमें तीन कलर है, तीन रंग है, और वो तीन रंग कौन कौन से हैं? सबसे पहले केसरिया, फिर सफ़ेद, और फिर हरा। और जो वाइट लाइन है, उसमें एक चक्र भी है। किस कलर का? ब्लू कलर का चक्र है, जिसमें क्या 24 तिल्लियाँ बनी हुई है कि हमारा देश 24 घंटे तरक्की करता रहे। जिसका जो कहना है वो यही है, है ना। भारत की जो राजधानी है वह क्या है? दिल्ली है। और दिल्ली को कहा जाता है दिल्ली दिलवालों की है। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, वहाँ के क्या, भारत के सभी लोग बहुत अच्छे हैं। सभी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। मेरा भारत देश जो है वह बहुत ही महान देश है, और मुझे ऐसे महान देश पर गर्व है। ये तो रहा आपका मेरे देश पर निबंध, जो कि हमें ओनली 5 लाइन में कंप्लीट करना था। अब सेकंड जो निबंध आता है, देखिए ये हमें कितनी तरह से निबंध, एक तो हमें वैसे ही इसका शीर्षक दे दिया जाता है, उस शीर्षक के हिसाब से हमको निबंध लिखना होता है। प्लस जैसे अभी कहा कि 5 पंक्तियों में आपको एक निबंध लिखना है, वो लिखा जाता है। और इसके बाद आपको कुछ शब्द दे दिए जाते हैं, उन शब्दों के इस्तेमाल करते हुए आपको निबंध पूरा करना होता है। तो वो निबंध हम किस तरह से पूरा करते हैं आगे देखिएगा। जो नेक्स्ट जो अगला हमारा निबंध है, सेकंड हमारा निबंध है, वह इस तरह से है। दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर दिए हुए विषय पर निबंध लिखें। यानी कि इसमें आपको एक तो इसका विषय दे दिया गया है कि विषय क्या है, प्लस उसमें थोड़े आपको शब्द दे दिए गए हैं कि उन शब्दों के आधार पर आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है। तो ये जो इसका जो शीर्षक दिया गया है, विषय दिया गया है, वो क्या है? दीपावली। दीपावली सभी जानते हैं कि दीपावली हम क्यों मनाते हैं। तो दीपावली हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन भगवान राम अपने 14 वर्ष के वनवास के बाद कहाँ आए थे? अयोध्या वापस आए थे। आज के दिन उनका क्या हुआ था? राजतिलक हुआ था, ठीक है ना। और वो इतने दिन जंगलों में रहकर इतने कष्ट झेलने के बाद अपने अयोध्या नगरी आए थे, और उनके आने की खुशी में अयोध्यावासी जो थे, वहाँ के जो लोग थे, वो तो वैसे ही अपने राम राजा का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, बहुत ज़्यादा उनको आदर देते थे, बहुत प्यार करते थे। और राम जी भी ऐसे ही थे, वो अपनी प्रजा को, अपनी जो प्रजा थी उनको अपने बच्चों की तरह से प्यार करते थे, है ना। बहुत ध्यान रखते थे अपनी प्रजा का। तो जो प्रजा थी वो भी अपने राजा को उतना ही मतलब आदर देती थी, उनको उतना ही मानती थी। तो जब वो वापस आए अयोध्या में, तो सभी अयोध्यावासियों ने क्या किया था? दिए जलाकर उनकी राह में दिए जलाए थे, ताकि चारों ओर क्या हो जाए? प्रकाश ही प्रकाश हो जाए, क्योंकि आज उनके राजा राम आ रहे हैं, है ना। तो देखिए उसकी वजह से ही आज भी हम क्या मनाते हैं? दीपावली मनाते हैं। तो ये देखिए हमें कुछ ये शब्द दिए गए हैं, जो कि है हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार। तैयारियां, बाजार की शोभा, पूजा, लक्ष्मी गणेश, पटाखे, मिठाइयां, बधाई। इन शब्दों को इस्तेमाल करते हुए हमको एक निबंध लिखना है। तो हम निबंध लिखना स्टार्ट करते हैं। दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। यह दियों का त्यौहार है। क्यों? इस दिन सभी लोग दिए जलाते हैं। यह त्यौहार कार्तिक मास में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? कार्तिक मास में मनाया जाता है। दीपावली से पहले हम सब अपने घरों व दुकानों की क्या करते हैं? खूब अच्छे से सफाई करते हैं, ताकि सभी कहते हैं ना कि आज की रात लक्ष्मी आएगी,
है ना। तो लक्ष्मी जी आएगी तो उनको गंद कचरा तो दिखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ गंद कचरा होगा वहाँ तो लक्ष्मी जी आएंगे ही नहीं, है ना। तो सभी क्या करते हैं, अपनी दुकानों की अपने घरों की खूब सफाई करते हैं, है ना, कलर वगैरह करवाते हैं। सब सोचते हैं कि मेरा घर ही सबसे अच्छा लगे, खूब अच्छा सा कलर मैं ही करवा लूँ। तो सभी अपने अपने घरों की सफाई करवाते हैं, कलर वगैरह करवाते हैं, तथा अपने घर व दुकानों को खूब अच्छे से सजाते हैं। दिवाली आने से पहले ही सब लोग दिवाली की तैयारियां शुरू कर देते हैं, घरों में पकवान बनने लग जाते हैं, बाज़ारों में मिठाइयां बनने लग जाती हैं, है ना। दिवाली पर बाज़ारों की शोभा बढ़ जाती है, देखते ही उनकी शोभा बहुत अच्छी लगती है। दीपावली पर शाम को लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा की जाती है, और जब पूजा हो जाती है तो पूजा में हम बहुत सारी मिठाइयाँ भी रखते हैं, है ना। और क्या करते हैं लोग अपने मित्रों के घर, अपने जो उनके मित्र हैं और पड़ोसी हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके घरों में क्या करते हैं, तरह तरह की मिठाइयाँ बांटते हैं, तरह तरह की मिठाइयाँ आदि उनको देते हैं, और एक दूसरे को क्या देते हैं, बधाई देते हैं, दीपावली की शुभकामनाएँ देते हैं। और बच्चे और बड़े सभी क्या करते हैं, पटाखे चलाते हैं, आतिशबाजी खूब होती है आज के दिन, है ना। पटाखे चलाते हैं, फुलझड़ियाँ चलाते हैं, और दीपावली का ये जो त्यौहार है हमें आपस में प्रेम और मिलजुल कर रहने का संदेश देता है। कोई भी त्यौहार होता है वह अपने पीछे कोई ना कोई तो संदेश देता ही है। तो इसी तरह से दीपावली हमें क्या संदेश देता है, मिलजुल कर रहने का और भाईचारे का संदेश देता है। अब आप स्टूडेंट्स, इस दोनों ही जो मैंने आपको निबंध बताए हैं, ये दोनों ही निबंध आप भी पढ़ेंगे और अपनी नोटबुक में इनको लिखेंगे और इनको लर्न करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।